ऑनेस्टली स्पीकिंग कहाँ हम कहाँ तुम का बहुत ही ट्रिमेंडस फीडबैक आया है, बहुत ही एक्सीलेंट फीडबैक आया है. मेरे करियर में मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस किसी शो के लिए नहीं आए हैं. मैंने इसके पहले 2.5 किलो प्रेम प्रोड्यूस किया था, जो अगेन बहुत ही अलग शो था. तो हाँ, लोगों ने बहुत कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेजेस पे मेरे फ्रेंड्स ने, इंडस्ट्री लोगों ने, मुझे जयपुर तक से मैसेजेस आए हैं. तो या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फीडबैक बहुत ही अच्छा है. आई एम हैप्पी कि लोगों को ये शो पसंद आ रहा है, क्योंकि ये लिटरली एक्चुअली एक बहुत ही अलग शो है. इसमें जो आप नॉर्मल टीवी में देखते हैं वो आप चीज़ें इस शो में नहीं देखेंगे. ड्रामा है, कॉमेडी है, बिल्कुल एक मिक्सचर है, मतलब इमोशंस है. आपको दीपिका और रोहित जो मेरे मेन कैरेक्टर्स हैं, करण एंड सोनाक्षी एंड रोहित, करण एंड दीपिका, वो आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, आप उनसे सिंपथाइज भी करेंगे. तो या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड शो आई फील. एंड बस अभी रेटिंग्स का इंतज़ार है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में रेटिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो अगर एक अच्छे शो को रेटिंग्स नहीं मिलती है तो वो शो ऑटोमेटिकली बुरा हो जाता है, और अगर एक बुरे शो को अच्छी रेटिंग मिलती है तो वो शो अच्छा हो जाता है. तो मुझे चाहिए कि एक अच्छे शो को अच्छी रेटिंग्स मिले, तो वही जस्ट प्रेइंग फॉर दैट नाउ. नो एग्जैक्टली, लेकिन आप अगर इस इंडस्ट्री में हो, आप रेटिंग्स को झुकला नहीं सकते हो, बिकॉज रेटिंग्स ही एक माध्यम है जो एवरीबडी काउंट्स ऑन इट. बट दैट्स द ओनली यार्ड स्टिक by which we all count success and failures. वो ratings अभी सही हैं, गलत हैं, fluctuating है, वो सब मायने नहीं रखता है. एक standard principle, एक standard practice है, तो you have to follow it. आप ये नहीं कह सकते हो कि ओ मैं ratings के लिए नहीं show बनाता हूँ, मैं ratings के लिए नहीं करता हूँ, because eventually जब हर Thursday ratings आती हैं तो we all follow it, we all look at it. अगर आपको उसे झुकलाना है तो वो आप झुकला सकते हो, आई मीन वो फिर आपके ऊपर है. लेकिन मेरे लिए रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक चैनल्स के लिए रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर प्रोड्यूसर के लिए रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेनसडे से पूजाएं और सब कुछ शुरू हो जाती है, सुपरस्टिशन सब शुरू हो जाता है, जैसे थर्सडे को अच्छी रेटिंग आए. नहीं, मुझे मैं ये अलग तरीके से कहूँगा. आई थिंक जो प्रोडक्शन हाउस जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जो मोस्टली बालाजी टेलीफोन्स होता है, आई थिंक वो एक रनवे होता है. जैसे आपने कहा कि एक रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ स्मूथली, तो मेरे लिए वो रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे मैंने कहा, बालाजी वो रनवे है, क्योंकि बालाजी मेक्स थिंग्स वेरी स्मूथ, मेक्स इट वेरी ईजी. बालाजी में आपको एक बहुत ही फ्रीडम मिलती है क्रिएटिविटी के लिए, और एकता इनफैक्ट आपको पुश करती है. मतलब आज अगर मैं खुद के शोज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और लोग अगर ऐसा कहते हैं कि मेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, देन इसका पूरा श्रेय बालाजी को जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ समझा है, मैंने बहुत कुछ जाना है. तो अभी जो सीखा समझा है इतने सालों के लिए, मैं वो अपने शोज़ में इम्प्लीमेंट करता हूँ. तो आई थिंक द रनवे शुड बी द प्रोडक्शन हाउस मोर देन एनीबडी एल्स.